नमस्कार, आवाज 24 न्यूज के प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश मिश्रा। आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं वो बिहार और खास करके उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज भोजपुरी की। भोजपुरी जैसी कर्णप्रिय और मीठी भाषा जो सुनने के साथ ही दिलों को छू जाती है, जो काफी ही मधुर लगती है, और जब हम एक दूसरे से भोजपुरी में बात करते हैं तो एक दूसरे के साथ एक अपनापन का जो है सुगंध फैलाती हुई यह भाषा हमारे और आपके बीच समानांतर एक संबंध को स्थापित करती है जो काफी ही लोकप्रिय है। चाहे दिल्ली हो या मुंबई या देश का कोई भी कोना, भोजपुरी भाषी चाहे भोजपुरी गानों की बात कर ले या भोजपुरी भाषा और संवाद की बात कर ले, वो काफी ही प्रिय है और काफी ही अपनापन सा इसमें प्रतीत होता है। मगर इन दिनों भोजपुरी एक काफी ही संकट से गुजर रही है, यह भाषा मुश्किलों के दौर में है। हालांकि यह बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बड़ी तादाद में ये भाषा है, इसकी अपनी एक गरिमा, अपनी एक शालीनता है, मगर कुछ ऐसे चीजों के कारण आज भोजपुरी बदनाम हो रही है। और सबसे बड़ा सवाल है कि आज भोजपुरी के खुद सम्मान पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों भोजपुरी के सम्मान पर जो है सवाल उठ रहा है, आज इसी गंभीर मुद्दे पर हम बात करेंगे। और बात करेंगे बिहार के ही और भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ, जो कि अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने अपनी कृति हासिल की है। भोजपुरी फिल्म जगत हो या भोजपुरी गायकी की जगत हो, कुछ ऐसे ही कलाकार बिहार के और उत्तर प्रदेश के आज हमारे प्राइम डिबेट में आपसे हमसे रूबरू होंगे और बात करेंगे कि आखिर इतनी कर्णप्रिय और इतनी मधुर भाषा भोजपुरी को तो आखिर क्यों आजकल अश्लील कहा जाता है, और इसके सम्मान और इसके अस्मिता पर क्यों ठेस पहुंच रही है। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आज के जो मेहमान हैं उन्हें आज आपका परिचय करवा दें। तो सबसे पहले हम खुशबू जी हैं जो गायिका हैं, वो आज हमारी प्राइम डिबेट की सदस्य हैं, वो चर्चा करेंगी। विनय बेलौर जी हैं जो आरा से बीजेपी के नेता और गीतकार भी हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। उमाकांत पांडे वार्ड पार्षद सदस्य हैं, आरा से ही हैं। अभिषेक राय जी हैं, निधि दुबे हैं जो गायिका हैं भोजपुरी क्षेत्र की, अविनाश पांडे जी हैं जो गायक हैं भोजपुरी क्षेत्र के। तो चलिए हम लोगों से जुड़ते हैं और इस खास जो है मुद्दे की बात में जो है प्राइम डिबेट में भोजपुरी के अस्मिता के सवाल पर लोगों से जुड़कर हम बात करते हैं। हमारे साथ अभी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये अविनाश पांडे जी हैं और खुशबू जी हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर हमें नजर आ रही हैं। आप दोनों का भी काफी स्वागत है प्राइम डिबेट में आवाज 24 न्यूज के। भोजपुरी के सवाल पर आज हम प्राइम डिबेट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अविनाश जी से। अविनाश जी, आप सबसे पहले ये बतलाएं कि भोजपुरी के क्षेत्र में आप क्या करते हैं। तो पहले सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सभी पूरे 24 आवाज की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अपने डिबेट में बुलाया मुझे। मैं भोजपुरी माटी का कलाकार हूं और हमेशा से अपनी संस्कृति को बढ़ाने का काम करते आया हूं और आगे जीवन अविनाश जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कतें आ रही हैं टेक्निकल, आप अगर हो सकता है तो ईयरफोन का इस्तेमाल करें, फिर आपसे हम रिकनेक्ट होते हैं थोड़ी ही देर में। तब तक आप अपने ऑडियो को जो है आप दुरुस्त करें। जी खुशबू जी, आप वर्तमान में जो है भोजपुरी के किस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, अपने बारे में कुछ बतलाएं दर्शकों को। जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और जय श्री राम। जितने भी जय लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सबको नमस्कार, जय श्री राम। और जैसा कि आपने पूछा कि मैं किस क्षेत्र से हूँ, तो मेरा गांव पंडितपुर सहौल पड़ता है, फैजाबाद अयोध्या उत्तर प्रदेश से हूँ मैं। तो जैसा कि आपने सुना कि आज के हमारे मेहमान जो है इस प्राइम डिबेट में भोजपुरी के सम्मान पर बात करेंगे और भोजपुरी के ही क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो या गायक का क्षेत्र हो, आज के हमारे गेस्ट उनसे जुड़े हुए हैं और आइए इनसे हम आज प्राइम डिबेट में बात करते हैं। तो निधि जी, सबसे पहले आप बतलाएं कि आप गायिका हैं भोजपुरी क्षेत्र की। जी सर, मैं गायिका हूँ, सिंगिंग करती हूँ मैं। आज जो भोजपुरी पे सवाल उठ रहे हैं, तो आप एक गायिका होने के नाते किस तरह से महसूस कर रही हैं उस चीज को? सर महसूस तो अभी बहुत
बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं भोजपुरी पे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजपुरी में ही इतने मतलब अश्लीलता है, सॉन्ग ऐसे निकल रहे हैं, हिंदी में भी निकलते हैं, लेकिन शायद भोजपुरी में लोगों ने कुछ ज्यादा कर दिया है. ना नहीं करना चाहिए, बुरा ही बिल्कुल. महसूस हो रहा है. विनय बेलौर जी, आप बीजेपी के नेता भी हैं और आप गीतकार भी हैं, आप दोनों चीजों को बकायदा समझ सकते हैं कि आज का जो भोजपुरी का जो माहौल चल रहा है, जो जिस तरह के गाने सुनने को मिल रहे हैं और इस पर जो उंगलियां उठ रही हैं कि इस तरह के गानों से समाज में जो है गलत मैसेज जा रहा है, भोजपुरी बदनाम हो रही है, क्या कहना चाहेंगे विनय जी? सबसे पहले हमारी आवाज जा रही है आपको? हेलो. जी आवाज आ रही है. जी. सबसे पहले आवाज 24 चैनल से जितने लोग जुड़े हैं सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं. और रही भोजपुरी की बात, तो हमारे समझ से ये आज से नहीं हो रहा है. जितने पुराने पुराने कलाकार हुए कि कोई कोई गीत गाता है कि 80 ना 85 90 चाहिए, कोई कहता है कि बहिया में लेके मारे लसैया खचा खच, बताइए ये सब क्या है? कोई कहता है कि दिया बुता के पिया क्या क्या किया, ये सब क्या है? पहले जितने भी भोजपुरी लोग थे, जैसे मान लीजिए शारदा सिन्हा जी, महेंद्र मिश्र जी, भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, क्या ये लोग भोजपुरी के कलाकार नहीं थे? ये लोग धरोहर थे भोजपुरी के, और आज भी हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में भोजपुरी का परचम लहराया. लेकिन आज जी क्षणिक लोकप्रियता पाने के लिए चाहे गुड्डू रंगीला जी हों, राधे श्याम रसिया जी हों, और चाहे जितने भी स्टार हो, खेसारी लाल यादव जी हों, रितेश पांडे जी हो, गुंजन सिंह जी हों, मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी भोजपुरी में अश्लील गीतों का प्रयोग, अश्लील शब्दों का प्रयोग न करें. और जितने भी बड़े छोटे जितने भी हमारे गीतकार भाई हैं, मैं सबसे आग्रह यही करना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से. जी जरूर, आपकी बातों को मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह के वातावरण में आजकल गीत लिखे जा रहे हैं वो काफी ही अशोभनीय है और कहीं ना कहीं भोजपुरी पर भी सवाल उठा रही है. निधि जी, क्या आप अभी गायन के क्षेत्र में हैं, भोजपुरी गायन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? जी सर. आपने भी कई ऐसे गीतकारों के गाना गाए होंगे जो आपके जो लिरिक्स होंगे वो काफी ही अशोभनीय होंगे. आप लोगों को क्या कभी इस तरह का सामना करना पड़ा है कि गीत की जो लिरिक्स है वो अलग टाइप की होती है, आप लोग गाना चाहते हैं या नहीं? नहीं, देखिए मेरा जितना भी आप YouTube पे सॉन्ग सुनेंगे, जितना भी अगर मैंने बाहर प्रोग्राम भी किया है, तो मेरा शुरू से ही रहा है कि नहीं, मतलब भोजपुरी में अश्लीलता नहीं आना चाहिए. और मेरे जितने भी गीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, मेरे जितने भी गीतकार हैं सभी, वो सामने से मैं उनको पहले ही बता देती हूँ जो भी मुझे गाना चाहिए, मुझे जो भी गाना गाना है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए जैसा मैं चाहूंगी. अश्लीलता सर, जैसे इन्होंने विनय जी ने बताया कि बहुत और भी कलाकार पहले थे जिनका नाम अभी भी है, क्योंकि वो अश्लीलता गा के आगे नहीं बढ़े. और जितने भी आप खुद देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अश्लील गाना गा के हिट हो रहा है ना सर, वो कुछ दिनों के लिए ही है, आगे और फ्यूचर तो कुछ है ही नहीं हमारा. और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि हम सारा ये कह दे कि कलाकारों की गलती है, लिखने वालों की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है. इसमें जितना हमारी गलती होती है ना कि हम गाते हैं, आप लोग सुनते हैं, तो सुनने वालों की भी गलती है कि आप सुनते क्यों हैं. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अश्लील 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 भोजपुरी में गाने हैं, अच्छे अच्छे गाने हैं, तो आप अच्छे अच्छे गाने को सुनिए ना. आपको भी तो थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए हमें. अगर आप सुनेंगे ही नहीं गाना, हमने एक मैंने गाना गा दिया जिसमें मतलब भक्ति है या फिर अश्लीलता कुछ वर्ड नहीं है, साफ सुथरा गाना है, मैंने गाया, और एक सामने वाले ने गा दिया जिसमें जो भी जैसे ये बता रहे थे अभी, कुछ भी मतलब उल्टा पुल्टा वर्ड हो, तो आप लोग ज्यादातर उसको देंगे. आप YouTube पे उसका ज्यादा व्यूवर होगा, उसको लोग ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा सर्च करेंगे, तो सर सुनने वाले की तो गलती है. मतलब कि अविनाश पांडे जी, अविनाश पांडे जी, क्या ये वल्गरिटी जो है, ये अश्लीलता इसलिए लिखी जाती है और गाई जाती है कि पब्लिसिटी ज्यादा मिले? अविनाश पांडे जी,
अविनाश जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए अविनाश जी से फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। अविनाश जी आप अपने ऑडियो और नेटवर्क को जरा सा ठीक कर लें, जल्दी हम आपसे जुड़ते हैं। हम अभी फिर जुड़ रहे हैं खुशबू जी से। खुशबू जी मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। खुशबू जी क्या इस तरह के गाने इसलिए लिखे जाते हैं और गाए जाते हैं कि चाहे ही वल्गर क्यों नहीं हो लेकिन व्यूअर ज्यादा मिले, इससे कमाई ज्यादा होगी, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए सबसे पहले तो सिंगर के हिसाब से गाना लिखा जाता है। कुछ लोग राइटर को बोलते हैं कि राइटर ऐसा लिखते हैं वैसा लिखते हैं, बट सिंगर अगर साफ सुथरा बोलेंगे कि हमको साफ सुथरा गाना गाना है, जैसे कि मैं गाना अगर गाती हूँ तो मुझे लोग साफ सुथरा ही गाना देते हैं, और अगर गंदगी रहती है तो मैं बोलती भी हूँ कि इसको हटा दीजिए, शब्द मैं नहीं गाऊंगी। तो उसी हिसाब से जो भी सिंगर है उनको देख कर गाना चाहिए। अगर गंदा गाना गाते भी है तो उनको पहले अपने घर में अपने माँ को अपने बहन को सुनाना चाहिए कि ये सॉन्ग हम रिकॉर्ड किए हैं, इसको सुनिए कैसा है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी मम्मी को उनकी सिस्टर को सॉन्ग अच्छा लगता है तो पब्लिक को भी पसंद आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये सोचकर गाना चाहिए कि मेरे भी घर में बहन बेटियां हैं, वो भी सुनेंगी तो क्या कहेंगी। तो मेरे ख्याल से तो गंदा गाना नहीं गाना चाहिए। भोजपुरी बहुत अच्छा है लैंग्वेज। आप लोग सिंगर हैं, क्या आप लोगों की कोई मजबूरी होती है कि जिस गाने को आप नहीं भी पसंद करती हैं वो कमर्शियलाइज होने के कारण आप लोगों को गाना पड़ता है? जी नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं। क्या आप लोगों को ये अधिकार होता है कि सिंगर जिस गाने को नहीं गाना चाहे, कोई दबाव कोई प्रेशर होता है कि मार्केटिंग जो गाना ज्यादा अच्छा करेगा वो सिंगर को गाना ही है चाहे उसे पसंद हो अथवा नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बस चाहे गंदा हो चाहे जैसा भी हो हमको गाकर हिट होना, उसके बाद में तो चलता रहेगा जो भी कुछ है। बड़े बड़े लोग देखो वो गाए हैं बहुत लोगों को बोलते हैं, बट जरूरी नहीं कि जो लोग गंदा गाए तो हम भी उन्हीं की तरह बन जाए। और ज्यादातर तो हम जानते हैं कि जो थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज होती है जो थोड़ी बहुत पढ़ाई किए होते हैं वो शायद असली गाना नहीं गाएंगे मेरे ख्याल से। जो स्कूल में गए हैं जो ये सोचेंगे मेरे गुरु सुनेंगे, मेरे माता पिता सुनेंगे, मेरे गांव समाज के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, तो उनको जैसे इसी हिसाब से ऐसे सिंगर तो शायद नहीं। और मेरे ख्याल से जो इस समय के सिंगर नए सिंगर हो रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से गंदा गाना नहीं गा रहे हैं और सोच भी नहीं सकते कि शायद गंदा गाना गाएंगे, बट कुछ लोग हैं जो। देखिए निधि जी और आप दोनों फीमेल सिंगर हैं, खुशबू जी भोजपुरी के जो बड़े बड़े स्टार हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन जो भी भोजपुरी के सिने स्टार हैं उन्होंने शुरुआत की इस वल्गरिटी की। आज सवाल भी उठ रहा है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस वल्गरिटी को रोका जाए, मार्केटिंग बढ़ गया है भोजपुरी के सम्मान से? जी सबसे पहले तो गवर्नमेंट को भी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, और दूसरी बात अगर अच्छा गाना लॉन्च होता है तो कंपनी वालों को प्रमोट करना चाहिए, अगर बेकार गाना होता है तो इस पर रिपोर्ट करना चाहिए, डिसलाइक करना चाहिए ताकि वो गाना यूट्यूब से उतरे। जैसे कि अभी एक चाची कवाची सॉन्ग आया था शायद वो उतर गया है, तो उसी हिसाब से अगर गाना अच्छा आता तो उसको प्रमोट करना चाहिए कंपनी वाले को। और गंदा गाना आता जैसा भी निधि जी ने बताया तो कुछ लोग सुनते भी हैं, आप खुद देख लीजिए गंदे गाने पर बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, मैंने भी देखा है, और अच्छे गाने होते तो उस पर थोड़ा कम व्यूज आते। तो अच्छे गाने जो होते हैं उस पर सपोर्ट करें, उसको देखें, और गंदे गानों पर डिसलाइक करें जो भी कुछ है, तो जाहिर सी बात ऐसा नहीं होगा। अविनाश जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे? सर मैं भोजपुरी गायक अविनाश पांडे लव बाबा, मेरा मैं भोजपुर जिला का निवासी हूँ, गंगा सरजू सोन के तट पे मेरा गांव अवस्थित है बिशुनपुर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का आभार पूरी टीम 24 आवाज की टीम को और ओम प्रकाश सर आपको भी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कलाकार की जो आगे बढ़ने की जो ललक होती है क्या वो इस बात से समझौता कर रहे हैं भोजपुरी के कलाकार कि चाहे मुझे अश्लीलता को ही क्यों ना बेचना पड़े हम बेचेंगे, इसके लिए मुझे नाम शोहरत और पैसा ही भले ज्यादा मिल रहा हो, क्या कहना चाहेंगे इस तरह का ट्रेंड? जी बिल्कुल बिल्कुल, स्टार बनने की चाहत में कलाकार बनना लोग भूल जा रहा है। कलाकार जब तक नहीं बनिएगा तब तक स्टार किसी काम का नहीं है। कितने स्टार पड़े हुए हैं, छनी
क्षणिक स्वार्थ में अश्लीलता इतना परोसा जा रहा है, इतना बाजारवाद हावी है, अच्छे गीतों को सुनने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। अभी हम लोगों का दो दिन पहले 1 तारीख को मेरा अपना बिहार है एक सॉन्ग करके आया है जो ग्रुप सॉन्ग है, 4 लोगों ने मिल के गाए, हम लोग 4 दिन में लगभग 10,000 व्यू पहुंचे हैं उसके, और कोई गाना आता है आते आते ही बस घंटों में मिलियन जाता है, क्या है आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? तो क्या आपको लगता है कि बड़े बड़े कलाकार हो या भोजपुरी इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए गायक हो, प्रोड्यूसर्स हो, वो भोजपुरी की जो है अस्मिता के साथ समझौता कर रहे हैं बिजनेस बढ़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरी अस्मिता से उनको मतलब ही नहीं है, बस उनको अपना कंटेंट बेचना है, उनको बस पैसा कमाना है। भोजपुरी अस्मिता को बचाने वाला ये नहीं सोचेगा, बिल्कुल मेरी तरह ये नहीं सोचेगा कि मुझे कितना व्यू आया है। मैं बहुत अच्छा अच्छा गाना गाता हूँ, आप अविनाश पांडे लव बाबा सर्च करके आप सुनिएगा, मेरे हर गाने अच्छे होते हैं जो कहीं भी बैठ के आप सुन सकते हैं। अविनाश जी, क्या आप मानते हैं कि कलाकार के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाना समाज में ज्यादा महत्व नहीं रखता है, इसके बनिस्पत कि उनके जो कैसेट्स आते हैं, उनके जो सॉन्ग्स आते हैं, वो ज्यादा मार्केटिंग करें, वल्गरिटी मार्केट में ज्यादा बिक रही है तो वो वल्गर बनाएंगे गाना क्योंकि वो बिक रहा है? बिल्कुल, बस बस वही मैं बोला ही, बाजारवाद हावी है ना, किसी तरह से बेचना है उनको, कहलगा कि बाउर लगाउर हो गई बा आजकल, तो उन्हें बस पैसा मिलना चाहिए, नाम शोहरत मिलना चाहिए, भले वो किसी तरह से मिला, डकैती करके ही धन अर्जन क्यों ना करे, वो चोर कहलाना है पसंद करेंगे, बसरते उनको पैसा चाहिए। क्या खुशबू जी क्या आपको लगता है कि इस चीज को रोकने के लिए या आगे भविष्य में इस तरह की बातें भोजपुरी सम्मान को वापस लौटे, इसके लिए क्या नए कलाकारों को क्या कदम उठाने होंगे? देखिए, नए कलाकार को जो भी गाने गाने चाहिए वो अपने हिसाब से लिखवाने चाहिए। देखिए, अभी एक सॉन्ग आया था बहुत जल्दी, खेसारी जी का परदेसिया, और अपनी तो जैसे तैसे, ये सारे सॉन्ग सुनकर इतना पॉजिटिव मतलब फील हुआ कि हाँ, मेरी भोजपुरी बॉलीवुड साइड में जा रही है, फिर उनका कंपटीशन कर रही है, कितने अच्छे अच्छे सॉन्ग आ रहे हैं। बट कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो इतने गंदे लगते हैं कि उनको बजाते हुए शर्माती है, मतलब कि अगर कोई अगल बगल बैठा है तो बहुत स्लो करके बजाना पड़ता है, कहीं कोई सुन ना ले। हमारे फैमिली में तो भोजपुरी अलाउ ही नहीं था पहले, सारे लोग भोजपुरी के कलाकार गंदे नहीं है, बस कुछ ही लोग हैं, 2-4 लोग हैं जिनकी वजह से पूरी भोजपुरी गंदी है। कितना भी अच्छा आप गाना गाओगे बट किसी से बताते हुए शर्म आती है कि हम भोजपुरी सिंगर हैं। अगर किसी से बताओगे कि हम भोजपुरी सिंगर हैं तो बस हाँ, ये भी वैसे ही होंगी, वैसे ही गाना गाती होंगी। तो इसीलिए हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे गाने लिखवाएं, और मतलब बिल्कुल जैसे देखिए बॉलीवुड टाइप में सॉन्ग आते हैं, भोजपुरी में बहुत सारे सॉन्ग ऐसे हैं, तो अच्छे से अच्छे गाने लिखवाएं, और राइटर से पहले बोल दे भैया जो भी कुछ लिखना सही से लिखना, साफ सुथरा गाना लिखना, और देखिए सब। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, अगर राइटर लिख भी देता है, सबसे पहली बात होती है कि स्टूडियो वाले को गाना रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्टूडियो वाले जो भी भाई लोग हैं अगर ये गाना रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो फिर कलाकार जो है वो गाना कहाँ पे गाएंगे। तो इसमें स्टूडियो वाला के मतलब स्टूडियो वाले जो भी भाई लोग होते हैं इनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर गंदे गाने आते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट उसको मतलब रिकॉर्ड मत कीजिए। विनय बेलौर जी आप भाजपा के भी सदस्य हैं, गायक भी हैं, क्या चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा कानून बने जो इन सब चीजों पर प्रतिबंध लग पाए, इस तरह की लिरिक्स, इस तरह की भाषा की इस्तेमाल करने पर भोजपुरी गानों वगैरह में? हमारे पार्टी के जो नेता है रवि किशन जी ने एक आवेदन केंद्रीय कला संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी को दिए हैं, और एक जोगी जी को, आदित्यनाथ जोगी जी को दिए हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, और एक बिहार के सीएम आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिए हैं कि भोजपुरी होता है एल्बम का भी सेंसर होना चाहिए, यदि सेंसर होगा तो गंदा गीत पास ही नहीं होगा, तो लोग खुद ब खुद नहीं गाएंगे जी। तो क्या तो लगता है कि आपके विनय जी आपके बीजेपी में मनोज वाजपेयी, आपके जो तिवारी जी हैं मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी जैसे दिग्गज कलाकार हैं जो भोजपुरी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिहार में आज जदयू और बीजेपी की समर्थित सरकार है,
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून बनने का उचित समय इससे बेहतर क्या हो सकता था, अभी तक इस पे क्या कदम उठाया गया है? सबसे देखिए बड़ी चीज यह है कि अश्लीलता केवल गीतों में नहीं है जी, अश्लीलता जो है फिल्मों में उठाकर देख लीजिए कितना हॉट हॉट सीन दिया जा रहा है। तो इसमें जो श्रोता हैं, श्रोता भगवान होते हैं, श्रोता ही किसी को जीरो से उठाकर हीरो बनाते हैं, तो श्रोता समाज को भी आगे आने की जरूरत है मिश्रा जी। यदि श्रोता समाज अश्लील गीत बजाना बंद कर दे, अश्लील वीडियो देखना बंद कर दे, डिसलाइक कीजिए यूट्यूब के माध्यम से, उनका व्यूअर नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से धीरे 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 कम हो जाएगा। और सरकार हमारी पहल कर रही है इस पर, बहुत जल्द सेंसर होगा, भोजपुरी एल्बमों में भी सेंसर लगेगा। तो क्या ये अभी जो कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव जी का एक मामला आया था कि किसी ने उन पर केस भी, कई ऐसे FIR दर्ज हुए हैं खेसारी लाल यादव के खिलाफ, किसी ने गाया उनको ये चीज असभ्य लगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके जिम्मेदार भोजपुरी के स्वयं कलाकार ही हैं जो शुरू से इस चीज को परोसते आ रहे हैं, जो आज समाज में एक व्यापक रूप और दर्शकों का बड़ा सा वर्ग ऐसा बन गया है जो उस अश्लीलता को पसंद कर रहा है? तो क्या ये बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों और जो स्टार है भोजपुरी के, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि थोड़ी सी अपनी इनकम को साइड रखकर भोजपुरी के जो है इस सम्मान को वापस लाने का काम करे वो? बिल्कुल मिश्रा जी, आपकी बात सही है। इसमें जितने बड़े बड़े स्टार कलाकार हैं, यदि वो लोग चाहते तो आज भोजपुरी गर्त में नहीं जाता। आज हम कहेंगे कि कुछ ऐसे कलाकार है जो भोजपुरी को गर्त में ले जा रहे हैं। हमने नाम भी रखा है ओपन, आपको बताया शुरू में कि कोई गाता है कि 80 ना 85 90 चाहिए अबे चाहिए, ये गुडू रंगीला जी जैसे कलाकार, राधे राधे श्याम रसिया जी जैसे कलाकार, चाहे जो भी गुंजन सिंह जैसे कलाकार, रितेश पांडे जी जैसे कलाकार। तो ये सब केवल खेसारी लाल ही दोषी नहीं है, दोषी है वो सारे कलाकार जो अश्लील परोस रहे हैं भोजपुरी में, और श्रोता समाज उसको बड़े चाव से लोग सुन रहे हैं। तो मैं श्रोता भगवान को भी कहता हूं कि आप भी दोषवार हैं भोजपुरी में अश्लीलता फैलाते हैं। श्रोताओं को भी ये तय करना होगा कि हम जिस चीज को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस तरह के वल्गर लिखने वाले लिरिक्सकार जो गीतकार है उनकी भी हिम्मत बढ़ रही है, श्रोता को भी जो है इसको रिलेट करना चाहिए। निधि दुबे क्या कहना चाहेंगी, क्या श्रोता भी एक कारण है जो ऐसे गानों को पसंद करता है? तो शायद कलाकारों को गाने की मजबूरी और लिखने वालों की भी जो है लिखने की मजबूरी हो जाती है। निधि दुबे जी, जी बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि जितने भी श्रोता हैं, हमारी जितने भी कलाकारों की गलती होती है उससे कहीं ज्यादा मुझे लगता है श्रोताओं की गलती होती है। तो क्या आप नई पीढ़ी है, आपकी आवाज नहीं मिल रही है निधि जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है निधि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए निधि जी, हम आपसे जल्द ही कनेक्ट होंगे, अभी हम अविनाश जी को ला रहे हैं स्क्रीन पर। अविनाश जी, ये जो ट्रेंड चल गया है भोजपुरी के लिए ये जो बिक रहा है बाजार में, लोग वही बेच रहे हैं, वो तो व्यापार कर रहे हैं, लोगों को निग्लेक्ट करना होगा, क्या कदम उठाने होंगे इसके लिए जो ये चीज बंद हो, अश्लीलता का आरोप ये भोजपुरी जैसे मीठे भाषा से हट सके? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो भी दर्शक है, श्रोता है, अपने हाथ में उनकी ये चीज है, आप रिपोर्ट मारिए, डिसलाइक कीजिए उस कंटेंट को, आप खुद नीचे चलेगा, रिपोर्ट मारिए ना, रोज 100 लोगों से रिपोर्ट मरवाइए, जो भी कंटेंट पूरा कम्युनिटी बना करके उस पर रिपोर्ट करना शुरू कीजिए, देखिए उसका कंटेंट खुद नीचे चला जाएगा। आप कहीं भी बाजार में बजता है, आप ये क्या शादी विवाह में बजवाते हैं, उसको बजाना बंद कर दीजिए, खुद बंद हो जाएगा। मतलब कि भोजपुरी का सम्मान लौटेगा और इसमें कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि समाज के लोग उन्हें फॉलो करते हैं, नए युवा वर्ग भी जो है उन गायकों के, उन जो स्टार्स हैं बड़े बड़े भोजपुरी के, उनको लोग फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर से उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो भूमिका है,
वो इसमें काफी बड़ी होती है कि उनको किस तरह से चलना है। लेकिन जहां तक बाजारवाद की बात करें तो बाजार को भी इस चीज को सोचना होगा, दर्शकों को भी सोचना होगा कि हम जो चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे समाज और हमारे भोजपुरी समाज के लिए आगे चल के बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। और फिलहाल तो दामन पे दाग भोजपुरी की लग ही रही है। क्या कानून भी जरूरी है इस तरह के कंटेंट को हटाने के लिए? सरकार को कानून भी बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया के कुछ ऐप्स है जो जिसको भारत सरकार ने कुछ महीनों पहले बैन किया था, मेरे हिसाब से कुछ और जो छोटा छोटा ऐप है जो शॉर्ट वीडियो बनाता है, जो 25 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो कंटेंट बनाता है, जो युवा पीढ़ी अपने आगे आने के लिए वो छोटा छोटा वीडियो बना के और लाइट मिलाता है, उस तरह के सारे ऐप को बंद कर देना चाहिए। और भोजपुरी जी विनय जी, ये जो है भोजपुरी समाज का जो ये फिल्मी दुनिया का जो समाज है, आप लोग इसके लिए क्या ऐसा कदम उठा रहे हैं, जल्द आवाज 24 न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, जल्द से जल्द हम क्या उम्मीद करें? नहीं, सबसे पहले चीज ये है, हम शुरू में ही बोले हैं कि सरकार इस पर पहल कर रही है और भोजपुरी गीतों में भी सेंसर होगा, सेंसर हो गया। और उसके बाद हमारे समझ से ये जितने छोटे छोटे लोग स्टूडियो खोलते हैं 200 300 400 500 रुपए में लोग गीत गवा देते हैं, इन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन सरकार के घर पंजीकरण होना चाहिए, गीतकार लोगों का भी पंजीकरण होना चाहिए, लोगों का भी पंजीकरण होना चाहिए। विनय जी, छोटे कलाकारों का तो दमन और शोषण होता ही है हर जगह पर, लेकिन क्या सरकार बड़े कलाकारों को प्रतिबंधित करेगी? जो बड़े बड़े मल्टी स्टारर्स फिल्म है, करोड़ों रुपए की बजट होती है, क्या उन पर कोई कानून का हाथ जाएगा? क्या उनके लिए कोई कानून है जो खुलेआम इस तरह के गाना परोस रहे हैं स्क्रीन पर? नहीं तो देखिए, कहने का मतलब ये सबके लिए होना चाहिए। भोजपुरी हमारी जो ऐसी भाषा है, गंगा माँ की जल की तरह पवित्र भोजपुरी हमारी भाषा है, और इस भाषा को यदि कोई गंदगी इस भाषा में घोल रहा है, अश्लीलता रूपी जहर घोल रहा है, तो कोई भी हो, बड़ा कलाकार है चाहे छोटा कलाकार, बैन तो लगना ही चाहिए, लगना चाहिए, ये आपका मानना है। लेकिन ये कब तक हो पाएगा, इसकी कोई समय सीमा अपने पार्टी की तरफ से दर्शकों को कहना चाहेंगे? बीजेपी क्या इस पर कदम उठा रही है जल्द से जल्द? हम चाहते हैं कि कानून के लिए प्रेशर बने, और आप लोग कलाकार हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, इसकी मांग आप उठा रहे हैं अपने बड़े नेताओं के आगे? नहीं नहीं, मांग तो हम पहले से ही उठा चुके हैं इस चीज को, अश्लीलता के विरोध में हमने कई एक बार लिखकर आवेदन भी दिया हूं, मैं कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन जी से भी मिला हूं मैं जाकर, वो हमको आश्वासन दिए हैं कि बहुत जल्द सेंसर होगा, घबराओ मत, ताकि अश्लील गीत लोग गाएंगे, पास पास गाएंगे लोग। निधि जी, आप आने वाले समय में जो है, आप युवा हैं, आप इस क्षेत्र में आई हैं, आपने इसको अपना प्रोफेशन चुना है, लेकिन क्या आप इसको अपना एक कर्तव्य भी मानती है कि जिस भाषा की आप गायकी कर रही हैं, उस भाषा की सम्मान को बचाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को, और क्या मैसेज देने चाहेंगे अपने सीनियर कलाकारों को जो इस तरह के बातों को, कंटेंट को जो है मार्केट में ला रहे हैं अपने फायदे के लिए? निधि दुबे सर, देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी जो हमारे सीनियर कलाकार हैं, कि आपने अभी तक जो गाया है उसको आप अब मत गाइए। और सेकंड बात की, जैसे आपने बोला कि रोक लगाना चाहिए, जैसे हम किसी और का गाना हम अपने YouTube पे चढ़ाते हैं या फिर थोड़ा सा भी किसी का कोई धुन म्यूजिक वगैरह मैच हो जाता है तो चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा भी होना चाहिए कि हम अश्लील गाना गाएं तो चैनल पे स्ट्राइक आ जाए, चैनल बंद किया जाए हमारा, अगर हम अश्लील गा रहे हैं तो। और जैसे आपने बोला, मेरा प्रोफेशन है, मुझे सिंगिंग में आगे बढ़ना है, सिंगिंग करना है, और भोजपुरी भाषा सर बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी भाषा है। तो मेरे हिसाब से तो अभी के जितने भी जनरेशन के बच्चे आएंगे या फिर हम लोग हैं, तो हम अपने तरफ से तो पूरी कोशिश करेंगे कि अश्लीलता को हटा दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं। जी, बोलिए, अपनी बातों को पूरी करें। हाँ जी, बिल्कुल, हम ये अश्लील गाना आए ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में भी मम्मी है, पापा है, हमारे मम्मी पापा हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम वही गाना गाएंगे ना सर, जो हम अपनी मम्मी पापा के सामने सुना सके, सुन सके। और मेरे हिसाब से चलिए, आप मानते हैं, मानते हैं जी कि
कि कड़ी कानून। हाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बात को पूरा करें? यही कि जैसे खुशबू जी ने बोला था अभी कि हमें ज्यादातर इसमें रोल सिंगर का भी होता है, हमें अपने हिसाब से गाना लिखवाना चाहिए कि हम ऐसा ही गाना गाएंगे तो राइटर भी हमें वैसा ही गाना लिखे। चलिए चलिए मैं आपकी बातों को समझ सकता हूँ। अविनाश जी अंत में क्या कहेंगे, कड़ा कानून बनना चाहिए, आप जैसे कलाकार इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे आने वाले समय में? मैं तो हमेशा भोजपुरी के लिए आवाज अपना बुलंद करता हूँ, हमेशा साफ सुथरा गीत गाता हूँ और आजीवन गाऊंगा। और मैं सरकार जी जी मैं सरकार से हमेशा अपील करता हूँ कि इन सारी चीजों को जिससे हमारा समाज पे बुरा असर पड़े, बच्चों पे पड़े, नेक्स्ट जनरेशन जिससे खराब हो, ऐसी चीजों को हमेशा बैन करना चाहिए। चलिए बहुत अच्छी बात है लवलव बाबा, क्योंकि आपके सॉन्ग्स काफी पॉपुलर हैं बिहार में, हम चाहेंगे कि दो अपने कोई भी बेस्ट सॉन्ग का जो है लाइन गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। अभी मेरा दो दिन पहले गीत रिलीज हुआ 1 तारीख को जी। पर इस धरती पे जन्मे देखो लाखों कलाकार हैं, ऐसा समझा जाता उसका ऐसा ना व्यवहार है, अपना बिहार है ये अपना बिहार है, अपना बिहार है ये अपना बिहार है। और बिहार की संस्कृति को ये गीत रूबरू कराता है, हर चीज बिहार को लोग बदनाम करते हैं जो बाहर में, और ये गीत जो सुनेगा उसे लगेगा कि बिहार में वाकई क्या है। उस दिन पहले लोग एक्ट्रेट चला था, लोग पूछता था कि बिहार में का बा, तो उसके लिए करारा जवाब है बिहार में क्या है, जरा इस गीत को सुने और समझे कि बिहार में क्या है। चलिए जरूर हम चाहेंगे कि दर्शक आपके इस गाने को पसंद करें। विनय जी हम चाहेंगे कि आप एक राजनीतिज्ञ एक नेता के तौर पे नहीं, आप गायक भी हैं, कोई दो शब्द जरा सा हमारे दर्शकों के लिए भोजपुरी में अगर गुनगुना दें। मेरे कहने का मतलब यह है मैं गीतकार हूँ, मैं गीत लिखता हूँ और कलाकार संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप कलाकार संघ के अध्यक्ष हैं। और जी मैं आपको बता देता हूँ मिश्रा जी कि मैं बड़े छोटे सारे कलाकारों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भोजपुरी में अश्लील गीत न परोसें, इससे अपना समाज गंदा होता है। जरूर बहुत अच्छा मैसेज है आपका, और हम चाहेंगे कि भोजपुरी के जुड़े हुए जो भी कलाकार हैं वो बकायदा इस चीज को समझे, इस बारीकियों को समझे। आज आवाज 24 न्यूज के इस प्राइम डिबेट का मकसद यही था कि भोजपुरी जैसी मिठास शायद ही किसी दूसरे भाषा में देखने और सुनने को मिलती है, जो अपनापन और लगाव सा होता है। इस भाषा को पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से इस भाषा पर जो अश्लीलता का आरोप मढ़ा जा रहा है, इसकी संस्कृति पर जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, वो भी कुछ कारणवश, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर बात है। और आप विशेष कलाकारों की ये भूमिका इसमें काफी जरूरी हो जाती है कि इस चीजों की जिम्मेदारी समझे, क्योंकि ये स्टार सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं, नाम शोहरत कमाने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति को बचाने और युवा पीढ़ी को नया मैसेज देने की भी जिम्मेदारी और भूमिका निभानी होनी चाहिए उन कलाकारों में। और हम चाहते हैं कि आप कलाकार और सभी बड़े छोटे कलाकार जो भी हैं इस भोजपुरी जगत से जुड़े हुए, जरूर जो है भोजपुरी की संस्कृति की और इसकी प्रतिष्ठा को बचाने और इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और आगे हम फिर इस तरह के चर्चा में फिर जुड़ेंगे भोजपुरी की नई बात को लेकर के। फिलहाल आप सभी हैं आवाज 24 न्यूज के लाइव डिबेट में जुड़े, सभी कलाकारों का हम दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। समय दर समय हम फिर इस तरह से किसी टॉपिक पर जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत आवाज 24 न्यूज के प्राइम डिबेट से। मैं ओम प्रकाश मिश्रा, बने रहे आवाज 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।